मेरे रोज ग्लो चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो पैक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। विंटर्स के मौसम में जब भी मुझे टैनिंग या ड्राइनेस फील होती है अपने चेहरे पे, तो मैं इस पैक का इस्तेमाल करती हूँ और वही पैक आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिनकी स्किन बहुत ड्राई है वो इस पैक को हर अल्टरनेट डे में लगा सकते हैं, और जिनकी स्किन नॉर्मल या ऑयली है वो अगर वीक में 2 से 3 बार भी इस पैक का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए मोर देन इनफ होएगा। वो रेगुलरली नहीं भी यूज करते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ड्राई स्किन वाले, अगर आप अपनी स्किन पे ग्लो चाहते हैं, अगर आप अपनी स्किन पे टैनिंग नहीं चाहते, ड्राइनेस नहीं चाहते, डलनेस नहीं चाहते, तो आप इस पैक को रेगुलरली वीक में हर ऑल्टरनेट डे में यूज करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए मैजिक। इतना कमाल का पैक है, और जब आप इसे रेगुलरली यूज करते रहते हैं तो आपकी स्किन में एक जान बनी रहती है, आपके चेहरे पे एक रौनक बनी रहती है और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि विंटर का सीजन चल रहा है। आपकी स्किन इतनी अच्छी स्मूथ हाइड्रेटेड रहेगी ना, इस पैक को रेगुलर जब लगाते रहेंगे एक हाइड्रेशन बरकरार रहेगा आपकी स्किन के अंदर। तो चलिए भाई देखते हैं किस तरीके से हमने ये पैक बनाया, क्या क्या यूज किया, सारी डिटेल्स आगे आराम से आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। अब देखिए, इस फेस पैक को बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं 1 बड़ा चम्मच भर के मलाई। मलाई में दूध की मात्रा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज पैक पतला हो जाएगा। तो आप गाढ़ी मलाई का इस्तेमाल यहाँ पे करिएगा। साथ ही डालिएगा 2 पिंच कस्तूरी हल्दी और 1/2 चम्मच शहद, और आपका पैक तैयार हो गया। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके ये बढ़िया सा पैक आप बना के तैयार कर लीजिए। बहुत अमेजिंग वर्क करता है आपकी स्किन पे, एक इंस्टेंट ग्लो लाने का काम करता है और बेहतरीन तरीके से हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, अगर आप बताए हुए तरीके से लगाते हैं और मसाज देते हैं तो। अब आपको करना क्या है, इस फेस पैक को हाथों की मदद से पहले पूरे चेहरे पे अच्छे से आपको फैला लेना है, और जब आप पूरे चेहरे पे इसे अच्छे से फैला लें तो उसके बाद आपको देनी है इससे मसाज। 5 to 10 मिनट्स मसाज कंपलसरी है, उससे ज्यादा भी अगर आपके पास वक्त हो तो आप दे सकते हैं 15 मिनट भी। अच्छे से मसाज देते देते आपकी स्किन गर्म हो जाएगी और जितना भी हाइड्रेशन उसे लेना होगा वो ले लेगी। पूरी तरीके से टैनिंग और डलनेस छूमंतर हो जाएगी इस पैक को लगाने के बाद आपकी, और आपकी स्किन इंस्टेंटली हाइड्रेटेड और ग्लोइंग लगने लगेगी। तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज देते रहना है अपनी स्किन पे। 5, 10, 15 मिनट्स जितना आप दे सके उतना आप जरूर दीजिए अपने चेहरे पे, और उसके बाद गुनगुने पानी से आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। इंस्टेंटली आपको देखा आपने, यहाँ पे लिए हमने सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट्स, पहला मलाई, दूसरा शहद और तीसरा हल्दी, एंड दैट्स इट। बहुत सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट्स जो सभी के घरों में मौजूद होते हैं। मलाई आपको बिना दूध वाली लेनी है, गाढ़ी मलाई का इस्तेमाल करिएगा तो पैक लगाने में आपको आसानी होगी। और ये पैक जब आप लगाएं उसके बाद 5-10 मिनट्स तो मसाज दीजिए ही दीजिए, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर 5-10 मिनट्स तो आपको देना ही देना है, तभी आपके चेहरे पे वो ग्लो, इंस्टेंट वाला ग्लो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा और आपकी स्किन से इतने अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी ना। मेरी भी ये टी एरिया में अक्सर ड्राइनेस हो जाती है और टैनिंग भी लगने लगती है मुझे विंटर्स के सीजन में, तो मैं इस पैक का इस्तेमाल कर लेती हूँ तब, और मेरी टैनिंग और ड्राइनेस पूरी तरीके से चली जाती है। तो आप भी ट्राई करके देखिए और अपना फीडबैक जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा। अब आते हैं आज की क्विक टिप पे। आज की क्विक टिप बहुत ही सिंपल, जिन लोगों के बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं या किसी भी तरीके से बालों की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, उनके लिए है आज की ये क्विक टिप। आप 1 से 1.5 चम्मच आपको चावल लेना है और उसमें आपको ऐड करना है 2 से 2.5 गिलास पानी। इसे आप ओवरनाइट सोक करके रख दीजिए, सुबेरे आप मॉर्निंग में इसे मिक्सी के जार में डाल लीजिए, विद चावल विद पानी आप सारा कुछ डाल लीजिए और इसे अच्छे से मिक्सी में चला लीजिए 3-4 बार बहुत अच्छे से, और सारा जितना चावल का पानी है आप उसे छान के निकाल लीजिए। इसे आप एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और इसमें आप ऐड करिए 4 से 5 विटामिन ई के कैप्सूल्स और 10 से 12 बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की, एंड दैट्स इट। आपका बढ़िया सा स्प्रे बनके तैयार हो गया जो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा, बालों के टूटने झड़ने की समस्याओं को खत्म करेगा और आपके बालों में शाइन और स्मूथनेस भी लाएगा।
आपको रोजाना इस हेयर स्प्रे को अपने बालों में स्प्रे करना है। 15 दिन आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। लगाने से पहले आप 15-20 मिनट पहले निकाल लीजिए फ्रिज से बाहर, और उसके बाद में आप इसे अपने बालों में स्प्रे कर लीजिए अच्छे से रोजाना। और जब भी आप शैम्पू करें तो इसे अपने शैम्पू में भी जरूर मिक्स करिए, तो बाल जो आपके वॉश करते समय टूटते हैं ना, वो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि टूटना बंद हो गए और आपके बाल जो हैं वो ग्रो होना शुरू हो गए धीरे धीरे। तो जरूर ट्राई करके देखिएगा ये क्विक टिप। और आज का ये सिंपल सा अमेजिंग सा मलाई पैक अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।